सोलन शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपायुक्त सोलन ने लगातार नियमों में बदलाव किया है। दिन रात एक कर जिला प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जान और जहान दोनों को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति अपने साथ कोरोना का संक्रमण भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सोलन जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति हिमाचल के बाहर से आता है और अपने साथ कोई और व्यक्ति लेकर आता है तो दोनों को ही क्वारंटाइन किया जाएगा। उपायुक्त सोलन के सी चमन ने बताया कि रेड जोन से आने वाले व्यक्ति अब होम क्वारंटाइन की बजाय सरकारी केंद्रों में क्वारंटाइन किए जाएंगे, जिस पर सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करेगा या अपनी जानकारी छुपाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमने जो सोलन जिला में काफी लोग बाहर जो जैसे स्टैंडर्ड अप थे वो आ रहे हैं, काफी हद तक आ गए हैं। हमारे लगभग इस समय तक 2000 के करीब लोग होम क्वारंटाइन जिला में है, और अभी जो हमने अभी आइडेंटिफाई की है लगभग 72 लोकेशन में 6,335 बर्ड्स की हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। हमने सुनिश्चित किया है कि जो रेड जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से आने वालों को मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को जाना पड़ेगा, ये उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, नोटिस में क्लियर किया जा रहा है। जो ऑरेंज और ग्रीन में है उसके हम स्क्रीनिंग करेंगे बॉर्डर में, फिर उसको होम क्वारंटाइन के जो उचित तब होगा। और रेड जोन से आने वालों की 100% सैम्पलिंग हम कर रहे हैं, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। पंचायतें, म्यूनसिपल कमेटीज़ जो नीचे तक है उनको हिदायतें सख्त है कि होम क्वारंटाइन में जो आदमी है वो एक आदमी क्वारंटाइन है, उसका पूरा परिवार क्वारंटाइन हो जाएगा, और उसकी जो ज़रूरत डेली ज़रूरत की जो चीज़ें हैं 14 दिन के लिए उसको होम डिलीवरी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उसके लिए संबंधित प्रधान, BDO और SDMs ये सुनिश्चित करेंगे 14 दिनों में उसको होम डिलीवरी सिस्टम देंगे और लोग पूरा परिवार बाहर ना आए, ये एक बहुत आवश्यक है और लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, लॉकआउट हो रहा है, तो इसमें ये सारी एहतियात जो अभी तक सारा प्रशासन ने सख्ती की थी अब लोगों को उसमें सहयोग देना है, लोगों ने इसमें पूरा सामूहिक अपना इसमें योगदान दे के इसको सफल बनाना है और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। सब्जी मंडी सोलन में स्क्रीनिंग हम रैंडम सैंपलिंग उठा ही रहे हैं, ड्राइवर के सैंपल दिए जा रहे हैं और रैंडम सैंपलिंग हर जगह हमारे हर जिले में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सैंपलिंग अगर हिमाचल में हो रही है तो सोलन जिला में सैंपलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। सर, जो चालक बाहरी राज्यों से गाड़ी लेके आ रहे हैं मालवाहक, उनके लिए क्या प्रबंध किए गए? उनके लिए प्रबंध बॉर्डर में उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, सिम्टम्स हो गए, कोई उसको जुकाम है, कोई उसका बुखार है, कोई है, उसको अलग करके हटा करके उसका सैंपल लिफ्ट किया जाता है। प्रॉपर स्क्रीनिंग है, ये एसेंशियल चेन सप्लाई के मुख्य हिस्सा है, इनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता, चले रहेंगे, इनकी लगातार जैसे बॉर्डर होती है लगातार इनकी जो है चेकिंग हो रही है इनकी हेल्थ। जो यहाँ से कोई प्राइवेट आदमी गाड़ी लेके जो नॉन कमर्शियल यूज़र है अगर बाहर गया है, अगर किसी आदमी को लेके आए तो वो भी होम क्वारंटाइन कराए।